हेलो दोस्तों, तो आज हम बनाना सीखेंगे साबूदाने की खीर जो हमेशा किसी व्रत या रेगुलर डे में भी बनता है और बिल्कुल खिली खिली भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है बिल्कुल मलाई वाली दूध, लगभग 750 ml के आसपास है। आप मलाई वाली दूध लोगे तो खीर बहुत अच्छा बनेगा और उसको हमें अच्छे से बॉयल करना है। यहाँ मैंने छोटे वाले साबूदाना लिए हैं, आप बड़े वाले दाने वाले ही ले सकते हो। उसको अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है 2 से 3 पानी से, जो ये वाइट वाइट होता है ना उसे मोस्ट बेसिकली उसे निकाल देना है अच्छे से वॉश करके। आप बड़े वाले साबूदाने भी ले सकते हो, बट छोटे वाले साबूदाने थोड़े फूलते हैं, उसके बाद खीर बहुत अच्छी हो जाती है। तो मैं यहाँ पे अच्छे से वॉश कर देती हूँ। वॉश करने के बाद यहाँ पे आपने क्या करना है कि इसे कवर करके रख देना है। इसे पानी वगैरह मैं कुछ नहीं डालूंगी और जब तक हमारा दूध अच्छे से बॉयल होता है तब तक इसको रेस्ट करने के लिए रख देंगे। और दूसरी तरफ यहाँ पे दूध बॉयल हो रहा है, आपने ना दूध को बीच में चलाते रहना है ताकि नीचे चिपके ना और एक पतली सी परत हो जाती है छाली की, मलाई की, वो ना हो। चलाते हुए आपको अच्छे से बॉयल करना है तेज आँच में। आप देख सकते हो कि बहुत अच्छे से बॉयल हो गया है यहाँ पे दूध हमारा। दूध जब अच्छे से बॉयल होगा ना तो खीर बहुत अच्छी बनेगी, थिकनेस बहुत अच्छी सी आ जाएगी, नहीं तो हल्की पतली पतली सी रहती है। तो यहाँ पे मैंने लगभग 6-7 मिनट अच्छे से दूध को बॉयल कर दिया है बिल्कुल तेज आंच में। एक कढ़ाई मैंने ली है, उसमें हम घी डालेंगे। मैं यहाँ पे घर का घी यूज़ कर रही हूँ, आप कोई सा भी घी यूज़ कर सकते हो। घी जब अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें ड्राई फ्रूट सारे डालेंगे। मैं यहाँ पे ली हूँ अखरोट ली हूँ, किसमें उसको मैंने इसे कट कर लिया है टुकड़ों में, और मैंने आलमंड्स लिया है। आप अपने पसंद की ड्राई फ्रूट्स लेते हैं जो भी आप खाना पसंद करते हो, और सबको घी में डाल के हल्का सा भूनेंगे। एक सुनहरा सा आपको स्मेल आने लगेगा, थोड़ी देर लगभग 1 से 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे भून लेना है। और यहाँ पे ड्राई फ्रूट अच्छे से भून चुका है जितना हमें भूनना चाहिए। उसके बाद सेम कढ़ाई में ना साबूदाने को डाल देंगे, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आ जाता है। घी की टेक्सचर ही बहुत अलग सी होती है, तो अगर खीर में मिल जाए तो बहुत अच्छा सा हो जाता है। और लगभग 30 से 40 सेकेंड तक अच्छे से हम फटाफट करके साबूदाने को घी के साथ मिक्स कर देंगे। बहुत ज़्यादा आपने नहीं भूनना है। उसके बाद हम दूध डाल देंगे। दूध हमें पूरी नहीं डालनी, थोड़ी समय बचा लेने की, अगर गाढ़ा हो जाता तो बाद में उस दूध को डाल के कंसिस्टेंसी ठीक कर लेंगे। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा दूध बचा लिया है और उसके बाद फटाफट अच्छे से मिक्स कर देंगे। साबूदाने की खीर जब बना रहे हो तो एक प्रॉब्लम हो जाती है, वो ना चिपक जाता अगर आप नहीं चलाते रहो तो। आपने चलाते हुए ही इसे पकाना है, बीच बीच में चलाते रहना, कंप्लीट नहीं छोड़ना है। और जब आपका साबूदाना ट्रांसपेरेंट हो जाएगा ना तो आप समझ जाओ कि साबूदाना अच्छे से पक गया है। आपने 10 मिनट तक लगभग चलाते हुए साबूदाने को अच्छे से पकाना है। यहाँ पे गैस की फ्लेम मीडियम टू लो रखें ताकि चिपके ना और अच्छे से पक जाए, कच्चा भी ना रहे। तो यहाँ पे देखो 80% हमारा साबूदाना का खीर पक गया है। तो यहाँ पे हम चीनी डाल रहे हैं, मैं लगभग छोटी वाली कटोरी से आधी कटोरी से थोड़ी सी ज़्यादा डाल रही हूँ। चीनी आप अपने अकॉर्डिंग डालें, जितना आप चीनी कम या ज़्यादा खाते हो। उसके बाद चीनी को अच्छे से हम मिक्स कर देंगे और लगभग 1 से 2 मिनट के बाद इसमें ड्राई फ्रूट डाल देंगे। और ड्राई फ्रूट डालने के बाद आपको अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ पे ऑलमोस्ट खीर रेडी है, बस आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। कंसिस्टेंसी थोड़ी सी आपको गाढ़ी लगेगी, बट हमने जो दूध बचाया था ना वो सारे के सारे दूध यहाँ पे डाल देंगे तो आपकी खीर की कंसिस्टेंसी जैसी आपको चाहिए वैसी हो जाएगी। अच्छे से मिक्स कर देना है आपने। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि साबूदाने की खीर रेडी है और साबूदाना भी अच्छे से पक गया है। मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे कि एकदम ट्रांसपेरेंट हो गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और बस आपने गैस ऑफ कर देना है, गर्मा गर्म सर्व करना है। तो मैंने थोड़ा सा ऊपर से ड्राई फ्रूट से गार्निशिंग कर दिया है और बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। आप देखो कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी। आप बनाइए इसको नवरात्रि में, व्रत में भी लोग बहुत खाते हैं और रेगुलर में भी बहुत खाते हैं, सबको पसंद आता है। तो मेरे चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।